जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो आज का मेन मकसद है वो ये है कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया समझना है कि प्राइवेट लेबल के अंदर जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स या व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन दैट वी नीड टू कंटिन्यू, जिनको हम लेके चलते हैं कि यार एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के अंदर ये वाले की चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमने कंसीडर करना है, और ये वाली चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमने डाउनग्रेड भी अगर कर दिया, कि जिनको अगर हमने दबा भी दिया तो उसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट हंटिंग जो होगी प्राइवेट लेबल की या कीवर्ड जो हंटिंग होगी उसके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको लोगों को उस पेज के ऊपर ले जाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ से आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दूँ। ठीक है, आप लोगों को ये शो हो रहा है जो मैंने वर्ड की फाइल जब आप लोगों के सामने खोली है। नहीं नहीं हो रहा, एक मिनट दे दीजिए। अब आ रहा है आपके सामने? जी अब आ रहा है। चल, ये आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा प्रोडक्ट हंटिंग फॉर प्राइवेट लेबल के जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों के सामने शो हो रहा है। अब इसमें हर एक पॉइंट को समझना ज़रूरी है। आप लोगों को जब पता होगा ना कि एक चीज़ को हमने कैसे समझना है, ये क्राइटेरिया है, इसके अंदर क्या चीज़ किस तरह से शो होती है, किस चीज़ को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, किस कीवर्ड को किस तरह से लेके चलना है। लेट्स सपोज हम अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करते हैं, फिर उसके ऊपर हीलियम 10 रन जब करते हैं, हीलियम 10 का एक्सरे। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जिन लोगों को नहीं पता, हम दो तरह के टूल यूज़ करते हैं, एक होता है हीलियम 10 का और एक होता है जंगल स्काउट। लेकिन हीलियम 10 जो है वो अब ज़्यादा मोर ऑथेंटिक हो चुका हुआ है रादर देन गूगल जंगल स्काउट। जंगल स्काउट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमारा जो सारे का सारा काम होता है ना वो हीलियम 10 से हो जाता है, तो हम इसलिए हीलियम 10 ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप लेके चलता हूँ। गूगल ट्रेंड शुड बी कन्वेंशनल। अब मैंने जब आप लोगों को टाइप्स पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को टाइप्स के अंदर कन्वेंशनल कीवर्ड्स पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा? किसी को याद है? मैंने आप लोगों को कन्वेंशनल कीवर्ड्स के नाम से एक टाइप पढ़ाई थी, और मैंने उसमें कहा था कि जो कन्वेंशनल कीवर्ड्स होते हैं दीज आर द कीवर्ड्स के जिनमें एक कीवर्ड का या एक प्रोडक्ट का जो गूगल ट्रेंड होता है या जो उसकी ऑनलाइन सेलिंग होती है किसी भी सर्च इंजन के ऊपर वो पूरा साल होती रहती है। ये नहीं होता कि एक साल ऊपर गया उसका गूगल ट्रेंड फिर नीचे आ गया, फिर एक साल ऊपर गया फिर नीचे आ गया, यानी कि वो सीजनल नहीं होता, वेदर ओरिएंटेड नहीं होता। सीजनल और वेदर ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि एक टाइम पे उसका बूम आ गया फिर वो नीचे गिर गया। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो रिसेंट आपके सामने कोरोना का, कोविड का, दो साल पहले एक अरसा गुजर चुका, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम एक चीज़ यूज़ करते थे जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम, क्या कहते हैं उसको, उसको बोलते हैं हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर। अब इसका देखिएगा, इवन के इसका क्या है, इवन के ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है लेकिन इसका गूगल ट्रेंड आप देख सकते हैं आपके सामने है। शॉर्ट टेल कीवर्ड है लेकिन इसका गूगल ट्रेंड आप लोगों के सामने है। पहले इसको कोई पूछता ही नहीं था, लेकिन अब जब कोविड आया तो एकदम से बूम ऊपर चला गया इसका गूगल ट्रेंड। लेकिन जब कोविड ख़त्म होना शुरू हो गया तो फिर लोगों ने इसको पूछना छोड़ दिया, इसका गूगल ट्रेंड फिर ख़त्म हो गया। तो ये होता है कन्वेंशनल या सीजनल कीवर्ड। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो इनके क्रिसमस गिफ्ट होते हैं,
क्रिसमस के गिफ्ट, ये आप लोगों के सामने गूगल ट्रेंड इसका मतलब, जब क्रिसमस का टाइम आता है तो फिर उस टाइम ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। इवन कि ये शॉर्ट टेल कीबर्ड है, लेकिन क्या है कि इसका गूगल ट्रेंड क्यों है, क्योंकि ये सीजनल कीवर्ड्स हैं, ये सीजनल प्रोडक्ट्स हैं। जब क्रिसमस आता है तो लोग परचेज करना शुरू कर देते हैं, जब क्रिसमस चला जाता है तो फिर लोग इसको परचेज करना छोड़ देते हैं। यानी कि इसका बूम एक टाइम पे आता है और फिर नीचे चला जाता है, फिर आता है फिर नीचे चला जाता है। ये होता है सीजनल कीवर्ड्स, या इसको बोलते हैं हम वेदर ओरिएंटेड कीवर्ड्स। मैं आप लोगों को लेदर जैकेट्स दिखाता हूँ, या विंटर जैकेट्स के नाम से हम लिख लेते हैं, सॉरी इसको हम लिख लेते हैं विंटर जैकेट्स के नाम से। ये देखिएगा इसका गूगल ट्रेंड क्या हुआ कि जब सर्दियां आती हैं तो तब इसको लोग परचेज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं तो लोगों का इसका गूगल ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। ये होती है सीजनल प्रोडक्ट, मतलब एक टाइम में जब सर्दियां आई तो लोगों ने परचेज करना शुरू कर दिया, और जब तो इसने पूछना ही छोड़ दिया कि वह क्या ये प्रोडक्ट है, हम इसको परचेज नहीं करते। लेकिन लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें क्या है, गलत होता है। क्यों? क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो चीज़ों की प्राइसेस जो है ना वो कम हो जाती हैं, उस टाइम में सर्दियों की चीज़ें परचेज करनी चाहिए, और जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के टाइम में सर्दियों की चीज़ें परचेज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके जो रेट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के रेट्स वो कम होते हैं, आपको कम सस्ते में वो चीज़ मिल जाती है। हमारा यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है, उल्ट चलते हैं, हम कहते हैं कि गर्मियों में गर्मियों के कपड़े परचेज करेंगे जब गर्मियाँ आएंगी, और सर्दियों में सर्दियों के कपड़े परचेज करेंगे जब सर्दियाँ आएंगी। तो ये हमारा जो है, तो ये मैंने आप लोगों को उसकी एग्जांपल भी दे दी कि जब भी आप कीवर्ड हंट करेंगे तो वो आपका कीवर्ड वेदर ओरिएंटेड सीजनल नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। अब कन्वेंशनल का मैंने आप लोगों को दिखा दिया, वो मैंने आपको आपके सामने पहले भी उसका मैं आपको एज एन एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मैं मतलब मैंने आपको जब स्टार्ट में पढ़ाया था तो मैं ये कीवर्ड लेके चल रहा था, या इवन के ये होता है आपके सामने कन्वेंशनल कीवर्ड। ठीक है, ये कन्वेंशनल कीवर्ड मतलब इसका ट्रेंड रहेगा ही रहेगा, जो मर्जी सीजन आ जाए इसको लोग परचेज करेंगे ही करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आइसक्रीम स्कूप। अब इस कीवर्ड को देखिएगा, इसको भी क्या करते हैं लोग परचेज करते हैं, इसका भी थोड़ा सा सीजनल ट्रेंड है, मतलब जब गर्मियाँ आती हैं लोग उसको परचेज करते हैं, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं सर्दियों के अंदर, लेकिन जब फिर गर्मियाँ आती हैं फिर इसका गूगल ट्रेंड ऊपर चला जाता है। लेकिन ये क्या है, कन्वेंशनल कीवर्ड है, लोगों का मतलब इसका रुझान पूरे साल क्या रहता है, लोग इसको परचेज करते रहते हैं, लोग इसको परचेज सेलिंग, इसकी परचेजिंग सेलिंग चलती रहती है अलीबाबा के ऊपर भी, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी। और ये हमें कैसे पता चला, जब हम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, मैंने आप लोगों को बताया था कि कीवर्ड हंटिंग किस तरह करनी है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका गूगल ट्रेंड क्या होना चाहिए, 25 से अबव होना चाहिए, यानी कि ये वाली लाइन से अगर अबव है तो हमारा कीवर्ड वो अच्छा होगा। अब ये देखिए, मैं आप लोगों को क्या कहता होता हूँ कि हम कीवर्ड हंटिंग कर रहे थे, मैंने आप लोगों को दिखाया जो सिस्टर फातिमा का क्वेश्चन था यहाँ पर, वो भी क्लियर हो गया कि क्या हुआ कि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसका गूगल ट्रेंड नहीं आता। अब मैंने आप लोगों को वो भी कीवर्ड दिखा दिए जो कि इवन शॉर्ट टेल थे लेकिन फिर भी उनका गूगल ट्रेंड क्या था, सही नहीं था हमारे अकॉर्डिंग। तो ये हो गया गूगल ट्रेंड से रिलेटेड डिस्कशन। अगली बात होती है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स शुड नॉट मोर देन 2000। अब आपको कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का कहाँ से पता चलेगा, ये मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन अब इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का कहाँ से पता चलेगा। ये मैंने अमेजोन के ऊपर जाके एक बटरफ्लाई नाइफ, आपने जो आपके पास कीवर्ड लिखे हुए हैं ना आप उनसे ही हंटिंग करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आज आप लोगों को क्राइटेरिया समझा रहा हूँ, कल जब हम इसके ऊपर कर रहे होंगे ना कीवर्ड हंटिंग, या जब हम इसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे, तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि हाँ भाई बेटा फातिमा आप बताइए कि आपने कीवर्ड्स कौन से निकाले हैं, फिर मैं आपसे एक कीवर्ड पूछूंगा और उससे हम 3 से 4 प्रोडक्ट्स आधे घंटे के अंदर निकालने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे क्राइटेरिया को 80-90% मैच कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्राइटेरिया समझाऊंगा कि इस क्राइटेरिया को आपने पढ़ना कैसे, क्राइटेरिया को आप पढ़ेंगे कैसे, उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, ताकि कल को जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, जब इसके ऊपर जब हमारा सेशन हो रहा हो, तो मुझे ये नहीं एक्सप्लेन करना पड़े कि इसके ऊपर आपको ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी देखनी है, ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ देखनी है, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें जो मेन चीज़ें वो आपको पहले बताऊँ। ये इसके लेफ्ट कॉर्नर वाली साइड पर क्या होता है, इसका कंपटीशन शो हो रहा होता है,
ठीक है, ये होता है 1 to 48 ऑफ ओवर 3000 रिजल्ट्स आर बटरफ्लाई नाइफ। अब ये 1 to 48 का क्या मतलब है और ये ओवर 3000 रिजल्ट्स का क्या मतलब है फॉर बटरफ्लाई नाइफ का? 1 to 48 का मतलब होता है कि इस अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर देर आर 48 लिस्टिंग्स, अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर देर आर 48 सेलर्स जो इस बटरफ्लाई नाइफ से रिलेटेड सेलिंग कर रहे हैं। यानी कि 48 लिस्टिंग्स ऐसी हैं जो ऑप्टिमाइज हैं, जिसको लोग यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर लोग पीपीसी रन करके अपने कीवर्ड को पीपीसी के थ्रू ऑप्टिमाइज करते हैं, और कई लोग तो सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, इवन के आपके पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आपको पीपीसी के ऊपर दिमाग ही नहीं खपाना पड़ता कि हम क्या करेंगे, लिस्टिंग खुद ब खुद ऑप्टिमाइजेशन करके दिखा रहा होता है आपको कि आपको इस चीज़ के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर इतना फोकस करना चाहिए, ये आपका कीवर्ड आपकी कन्वर्जन ला सकता है, ये कीवर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव टारगेटिंग करके दे रहा है। तो वो सॉफ्टवेयर ऐसे जनरेट हो गए हैं जो आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करके दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 to 48 का मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर देर आर 48 रिजल्ट्स। और जब आप हीलियम 10 रन करते हैं ना, मैं आपको हीलियम 10 भी अभी रन करके दिखाता हूँ जब हीलियम 10 की बारी आएगी, और उसके ऊपर जब हम स्टैट्स समझना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 to 48 रिजल्ट्स होते हैं, और 3000 रिजल्ट्स का क्या मतलब है कि इस बटरफ्लाई नाइफ से रिलेटेड, इस बटरफ्लाई नाइफ से रिलेटेड देर आर 3000 पीपल्स जो कि अमेजोन के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो 3000 सेलर्स कैसे होंगे। ये तो था आपका अमेजोन का फर्स्ट पेज, जब आप नीचे आते हैं तो आपको अमेजोन कहता है कि भाई दूसरा पेज भी है, भाई तीसरा पेज भी है, भाई चौथा पेज भी है, अभी अमेजोन कह रहा है कि चौथा पेज भी है, पाँचवें पे चले, छःवें पे, सातवें पे चले जाएँ, सातवें पे जब आप जाते हैं तो फिर भी आपको बताता है कि भाई नेक्स्ट भी पेज है। यानी कि 48 अगर फर्स्ट पेज के ऊपर हैं तो आप 48 को या 3000 को 48 पे डिवाइड करके अगर देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि देर आर इतने पेजेस जिसके ऊपर अमेजोन के लोग जो हैं बटरफ्लाई नाइफ के नाम से सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया कि आपको कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कहाँ से देखें। उसके बाद आता है नो रेवेन्यू शॉट, ये होती है, यहाँ से अब हमारा हीलियम 10 का काम शुरू होगा कि अब हमने हीलियम 10 को कैसे यूज़ करना है। यहाँ से मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। इसको लॉग इन करते हैं और इंतज़ार करते हैं। भाई साहब, ठीक है, तो आपका अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना जो आप लोगों ने समझा है? इसमें इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। भाई बताओ भाई, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? क्लियर है अभी तक? चले माशाल्लाह, इसको लॉग इन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हीलियम 10 रन करके उसके ऊपर सारे स्टैट्स समझाता हूँ कि हीलियम 10 के ऊपर हम किस तरह देखते हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता ये उनके लिए होगा, न्यूबीज के लिए आप कह सकते हैं कि उनके लिए होगा कि आप हीलियम 10 के ये जो ग्राफ है, ये जो आपके सामने शो हो रहा होता है, इसको कैसे देखना है। वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास हीलियम 10 का डैशबोर्ड। ये आप लोगों को जो है वो पेड टूल्स होते हैं जो मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको मिलते हैं, ये आप लोगों को कहीं से मर्जी परचेज कर लें, आपको मार्केट के ऊपर जाके या किसी भी ग्रुप के अंदर जाके लिखते हैं कि मुझे पेड टूल्स चाहिए, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनसे मर्जी आप परचेज कर लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी एक्सटेंशन हीलियम 10 की क्रोम वेब स्टोर पे जाके उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, और उसको इस तरह से जाके यहाँ से, ये आपके सामने हीलियम 10, इसको इस तरह से पिन कर लेना है आपने, यहाँ पे पिन कर लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो हीलियम 10 का ये वाला एक्सटेंशन होगा ना, ये मैं आज ही आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के पेज के ऊपर लोड हुआ करेगा और कहीं पर भी नहीं लोड होगा ये। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से डैशबोर्ड क्लियर होगा, ये एक्सरे एक्सटेंशन का डैशबोर्ड आ गया। ये वाली, ये जो आपने करना है ना,
ये जो है एक्सरे अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च, इसके ऊपर आप क्लिक किया करेंगे। अब ये एक्सरे कीवर्ड्स क्या होता है, एसएन ग्रैबर क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इन्वेंट्री लेवल्स, रिव्यू इनसाइट्स, ये इंशाल्लाह ये सारी की सारी डिस्कशन हम करेंगे जब हमारा आगे आगे इसको लेके चलते रहेंगे ना, तो ये सारे पूरा हेलियम टेन आप लोगों को समझा देंगे, मास्टर बना देंगे आपको हेलियम टेन का। अगर मैं आप लोगों को एक बच्चे की स्टोरी सुनाऊँ, ही इज़ 13 to 14 years old, वो हीलियम टेन से लाखों कमा रहा है। लोगों को बताता है कि हीलियम टेन के अंदर ये फीचर्स हैं और उससे वो लाखों कमा रहा है। कैन यू इमेजिन इट? तो स्किल जो है वो कोई भी बुरी नहीं है, मतलब आपको पूरा दिल लगा के उसको सीखना होगा, उसको पढ़ना होगा, उसको चेक करना होगा, फिर उसके बाद ही जो है उसके ऊपर रिवॉर्ड मिलता होता है। ये इस तरह से आपके पास। अब जब मैं वहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ दिखाना चाह रहा था ना, जब मैंने आपको कीवर्ड हंटिंग सिखाई थी, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। अब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, एक्सरे अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर बटरफ्लाई नाइफ। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो आपने कीवर्ड अमेजोन के सर्च इंजन में जाके बटरफ्लाई नाइफ के नाम से लिखा है ना, अब आपको एक्सरे सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई से रिलेटेड इस पहले पेज के ऊपर जितने रिजल्ट्स होंगे वही शो करवाएगा। लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी, किसी स्पेसिफिक नीश को टारगेट करते हैं, तो फिर वो पूरी की पूरी नीश के बारे में आप लोगों को बता रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि भाई साहब ये जो मैं आपको एक्सरे कहता है कि मैं भाई साहब आपको ये जो मैं प्रोडक्ट रिसर्च करके दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट की रिसर्च नहीं है, ये पूरी की पूरी कैटेगरी को मैं उठा के ला रहा हूँ, पूरी की पूरी कैटेगरी को एनालाइज करूँगा आपके सामने, और वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके ऊपर कौन कौन सी कीवर्ड्स या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आप जा सकते हैं। फिर फाइनली आप क्या करते हैं, उसका पहले गूगल ट्रेंड, मैंने आपको वहाँ पर भी स्टेप बताया था, पहले आप उसका गूगल ट्रेंड चेक करते हैं, फिर गूगल ट्रेंड चेक करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, अमेजोन के ऊपर आते हैं और फिर उसके ऊपर इसका लेफ्ट साइड पर कंपटीशन चेक करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये इससे परेशान नहीं होना, कई दफ़ा इस तरह से ब्लर जो है वो आ जाते होते हैं रिजल्ट, तो ये कई दफ़ा टूल्स का ग्लिच होता है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से जाके अगर एक अकाउंट नहीं चल रहा है तो दूसरा अकाउंट चला लेना आप। और ये जो ऑप्शन होता है ना, ये डायमंड प्लान के अंदर होता है। आप जब हीलियम टेन परचेज करेंगे तो उनसे कहिएगा कि सर हमें डायमंड प्लान दें, यहाँ से आप उसका अकाउंट चेंज कर लिया करें, ठीक है? ये अब मेरे ख्याल में तंग करेगा नहीं, चलेगा मेरे पास। इस तरह से जब आपके पास ये लोड हो जाएगा पेज, अभी मैं आपको एज एन एग्जांपल लेके दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, वो वाला कीवर्ड चूज करना है जिसका यहाँ पर जो सर्च रिजल्ट आ रहा होगा ना, यहाँ पर जो कंपटीशन का रिजल्ट आ रहा होगा वो 2000 या उससे कम होना चाहिए। ये अगला क्राइटेरिया है हमारा, ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को चले साथ ही यहाँ पर दिखा देता हूँ कि उसका जो है, ये देखिए, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स शुड नॉट मोर देन 2000, तो आपने उसको भी कंसीडर रखना है। मैं आपको एज एन एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ उसके साथ। क्योंकि हमारा जो आज के लेक्चर का मकसद है वो क्राइटेरिया को समझना है, जो कीवर्ड हंटिंग या प्रोडक्ट हंटिंग करे होंगे वो हम कल करे होंगे, बेसिकली हमारा मेन जो लेक्चर होगा वो कल का होगा प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, कि किस तरह टूल्स को यूज़ करके एक एक को एक एक टूल को यूज़ करके हम किस तरह से कीवर्ड हंटिंग करते होते हैं, वही प्रॉब्लम। ठीक है, चलें मैं आप लोगों को यही यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब हमारा जो अगला पॉइंट है ना, हमारा अगला पॉइंट है कि नो रिव्यू सॉर्टिंग, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, ठीक है? रिव्यू सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, ये आ गया आपके सामने। हेलियम टेन इस तरह से टाइम लेगा, क्योंकि ये मीटिंग हो रही होती है ना साथ साथ, तो इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होता है और ये जो लैपटॉप होता है वो स्लो रिस्पॉन्ड करता है उसके हिसाब से, इस वजह से। इससे आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी और सोना भी नहीं है, आप लोग ऐसा हो कि मीटिंग लगा के और साथ सो रहे हो, तो जो हमारा मकसद है अमेजोन के ऊपर काम करने का वो फौत हो जाए। हैं, सारे जाग रहे हैं ना? जी सर, सुन रहे हैं। चले माशाल्लाह,
मुझे लगा था कि बच्चे सो ना जाए। मतलब आप लोग तो काफी इंटेलिजेंट समझे जा रहे हैं, सारी चीजें गौर से सुनते हैं आप लोग, सारी चीजें गौर से जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कहीं से भी जो है वो हमें नॉलेज मिल जाए। अब बेसिकली जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो लिटरली कई दफ़ा क्वेश्चंस मेरे सामने ऐसे आते हैं जो अनसीन होते हैं, मतलब किसी ने नहीं पूछे होते, और जब मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो नई नई चीज़ें वहाँ से निकलती हैं मेरे लिए भी। यानी कि मैं आप लोगों को नहीं सिखा रहा होता, बल्कि आप लोग भी मुझे इन रिटर्न सिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे ये नहीं कहना कि जो चीज़ें आप पूछते हैं कि मैं बस वो 30 मार खाऊँ और मुझे वो सारा कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ज़िंदगी के अंदर हम सब सीख रहे होते हैं। विलियम टेन भाई साहब चल जाएँ। ठीक है जी, ये मैं आप लोगों को यहाँ से आज बता देता हूँ कि रेवेन्यू सॉर्टिंग क्या होती है। जब ये आप हीलियम 10 का इस तरह से पेज रन करते हैं ना, तो यहाँ पर उसका टोटल रेवेन्यू दिखाया होता है। यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पर दिखाया होता है आपको, जितना भी सर्च वॉल्यूम होगा, थाउजेंड्स के अंदर होगा, हज़ार के अंदर होगा यहाँ पर। और ये सर्च वॉल्यूम आपके गूगल से उठाया जाता है, जो गूगल आपको दिखाता है हीलियम 10 उसके अकॉर्डिंगली, उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके 19-20 का फ़र्क होता है उसके गूगल ट्रेंड के सर्च वॉल्यूम के अंदर और इसके सर्च वॉल्यूम के अंदर। यहाँ पर उसका टोटल रेवेन्यू, मतलब आज तक ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई और उसने कितना रेवेन्यू अभी तक कमाया, वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। और एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर आ रहा होता है, मतलब हर एक, मतलब 48 सेलर्स है ना, इवन के कोई ज़्यादा भी कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन यहाँ पर 48 सेलर्स हैं, तो टोटल रेवेन्यू ये जितना होगा उसको डिवाइड करके 48 सेलर्स पे यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू आ रहा है। अब यहाँ पर एवरेज प्राइस आ रही होती है, मतलब 48 सेलर्स हैं, उनके सारे की सारों की प्राइसेस को जमा करके 48 पे डिवाइड करके यहाँ पर एवरेज प्राइस निकाली होती है। अब एवरेज बीएसआर, इसी तरह से बीएसआर, ये वाला बीएसआर का कॉलम होता है, जितना भी इसका बेस्ट सेलर्स रैंक का कॉलम होता है ना, उन सारे रैंक्स को जमा करके 48 पे डिवाइड किया होता है और यहाँ पर एवरेज बीएसआर आ रहा होता है आप लोगों का। इसी तरह एवरेज रिव्यूज आप लोगों के सामने आ रहे हैं। अब मैंने, जब आपने ये हीलियम 10 रन कर दिया, अब यहाँ पर जे ये जो आपके सामने रिजल्ट आ रहे होते हैं ना, ये अनसॉर्टेड होते हैं, मतलब आपने इनको नहीं छेड़ा अभी तक, आपने इनको कुछ भी नहीं किया, मतलब जो रिजल्ट्स आए आपके सामने आपने उनको वैसे का वैसे ही यूज़ किया। अब आपने हीलियम 10 रन करने के बाद ये सारी चीज़ें देख ली, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च वॉल्यूम यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि उसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, आपने इसको ही बताया, मिनिमम सर्च वॉल्यूम उसका कितना होना चाहिए, 8000। यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों को सर्च वॉल्यूम शो होगा ना, वो मिनिमम मिनिमम 8000 होना चाहिए, कम अज कम, इससे ज़्यादा जितना होगा हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये जो टोटल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते होते प्राइवेट लेबल की टाइम प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए, एवरेज प्राइस के ऊपर करते होते हैं कि एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए। चलें जी क्राइटेरिया के अंदर देखते हैं। आप क्राइटेरिया भाई साहब, आप हमें बताइए कि प्राइस कितनी होनी चाहिए। क्राइटेरिया कहता है कि कंपीटिंग प्राइस शुड बी इन बिटवीन $14.99 टू $13.99। ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई कि आप लोगों की एवरेज प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए, $14.99 टू $39.99 होनी चाहिए। ये भी आप लोगों का क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एवरेज रिव्यूज़ का इस पूरे क्राइटेरिया के अंदर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो एवरेज रिव्यूज़ का आप लोगों के सामने कोई भी जिक्र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, एवरेज रिव्यूज़ क्या होने चाहिए यहाँ पर, एवरेज जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हों, ये मैं आप लोगों को स्पेशली एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हों, तो यहाँ पर आपका एवरेज रिव्यूज़ जो है वो 1000 टू 1500 मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका एवरेज रिव्यूज़। ठीक हो गया। अगली बात, आप लोगों को हीलियम 10 यहाँ पर बता भी रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर बता रहा होता है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हो ना, या कोई भी कीवर्ड उससे रिलेटेड सर्च करते हो, तो ये हीलियम 10 आपको पहले बॉक्स के अंदर बता रहा होता है कि इस रेवेन्यू वाले कॉलम में टॉप 10 के अंदर कितने सेलर्स ऐसे हैं कि जिनका रेवेन्यू क्या है। ये देखिए, मैंने उसके ऊपर कसर रखा, उसके ऊपर नीचे ऊपर लिखा आ गया, 0 ऑफ टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव अ रेवेन्यू ओवर 5000। ये ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ब्लर शो कर रहा है, तो इस वजह से ज़ीरो आ रहा है, वरना आप लोगों को ये यहाँ पर बताता कि हमारे पास इतने जो है, ये वाला जो रेवेन्यू का कॉलम है इसके अंदर बताता होता है कि आपके पास इतने सेलर्स ऐसे हैं टॉप 10 के अंदर जिनका 5000 से ज़्यादा रेवेन्यू।
यहाँ पर जब आप लेके आते हैं, यहाँ पर आपको बताता है कि आपका जो रिव्यू काउंट होता है, ये देखिए ये रिव्यू काउंट है आपके पास, ये वाला रिव्यू काउंट होता है। अब आपके पास क्योंकि ये टूल्स का ग्लिच है तो इसके अंदर वो गलत बता सकते हैं। वो कहता है 10 of top 10 पॉड्स हैव अंडर 75 रिव्यूज। अब यहाँ पर रिव्यू काउंट की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ रिव्यू काउंट को भी कवर कर लेते हैं कि हमारे क्राइटेरिया के अंदर रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए, उसको भी देख लेते हैं। रिव्यू काउंट वो कहता है कि भाई साहब आपका 7 सेलर्स इन टॉप 10 हैव लेस देन 400 रिव्यूज। यानी कि यहाँ पर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से बड़ा कर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गिन लेंगे कि भाई 10 सेलर्स, टॉप 10 सेलर्स हमारे पास कितने बनते हैं। लेकिन यहाँ पर टॉप 10 सेलर्स रिकॉर्ड करने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ से फिल्टर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स। हम ये नहीं चाहते कि जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हों या जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हों तो हमारे पास ये जो स्पॉन्सर्ड वाले प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर्ड वाली प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, जिन्होंने अमेजोन को पे किया होता है कि हमारी लिस्टिंग अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर आनी चाहिए। यानी कि जो लोग पीपीसी रन कर रहे होते हैं, अमेजोन को पे करके कह रहे होते हैं कि हमारा जो लिस्टिंग है वो अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर आना चाहिए, वो होते हैं हम। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो ऑर्गेनिक वाले बंदे हैं ना, हम उनके साथ जाके देखें कि क्या उनके साथ क्या रिजल्ट आते हैं। यहाँ पर हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट फॉर रिजल्ट के ऊपर क्लिक करके अप्लाई फिल्टर्स करेंगे तो आप लोगों के पास ये जो ऊपर वाले 4 से 5 होंगे ना, वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। अब देखिए, आपने जब कंपटीशन चेक किया था कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, आपने देखा था 1 to 48 रिजल्ट्स ऑफ 3000। अब ये देखिए आपको कितने रिजल्ट्स हो रहे हैं, यहाँ पर फिल्टर रिजल्ट्स में 48 to 60, यानी कि पहले पेज के ऊपर टोटल 60 रिजल्ट्स थे, लेकिन उसमें से 12 ऐसे थे जो स्पॉन्सर्ड थे। और वहाँ पर भी जो आप लोगों को शो करता है अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर, वो वाले शो कर रहा होता है जो कि स्पॉन्सर्ड वाले नहीं होते, यानी कि ऑर्गेनिक वाले होते हैं। आपको 1 to 48 वो वाला शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ क्लियर हो गई। अब आते हैं रिव्यू काउंट के ऊपर। अब यहाँ से आपने रिव्यू काउंट करना है। अब आपने यहाँ से 10 सेलर्स गिन लेने हैं, 5 को 1, 6 को 2, 7 को 3, 8 को 4, 9 को 5, 10 को 6, 11 को 7, 12 को 8, 17 को 9, 18 को 20, ठीक है, 18 को 10। यानी कि टॉप 10 सेलर्स हमारे बनते हैं 18 काउंट तक। हमने काउंट किया तो हमारा 18 तक सेलर्स ऐसे थे जो टॉप 10 के अंदर आते हैं। अब हमने इनका रिव्यू काउंट देखना है, हमने इनका रिव्यू काउंट देखना है और हमने इनमें देखना है कि 7 सेलर्स ऐसे होने चाहिए हमारे पास जिनका रिव्यू काउंट 400 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, हीलियम 10 भाई साहब हमें दिखाइए कि इसमें से क्या इतने सेलर्स हैं या नहीं है। हम काउंट करना शुरू करते हैं, 1 सेलर 2 3 4 और 5, 5 सेलर्स ऐसे हैं जिनका हमारे पास 400 से कम रिव्यूज़ हैं। यानी कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, 7 सेलर्स होने चाहिए, लेकिन हमारी इस लिस्टिंग के अंदर कितने हैं, 5 सेलर्स हैं। तो ये प्रोडक्ट यहीं पर कैंसिल हो जाती है, हम इस प्रोडक्ट के ऊपर आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर भी हमारा एक क्राइटेरिया मिस कर गया तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, हम उस प्रोडक्ट के ऊपर फर्दर रिसर्च नहीं करेंगे। लेकिन इस कीवर्ड को हमने फर्दर कैसे यूज़ करना है, लेट सपोज हमने कहा कि बाकी इसके सारे क्राइटेरिया पूरे हो गए लेकिन सिर्फ रिव्यू काउंट का मसला है, हमने इस कीवर्ड को फर्दर कैसे यूज़ करना है, वो इंशाल्लाह मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा जब हम प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा रिव्यू काउंट वाला भी मसला हल हो गया। हमने पढ़ा गूगल ट्रेंड शुड बी कन्वेंशनल, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में मैंने आप लोगों को दिखाया कि शुड नॉट बी मोर देन 2000, रिव्यू सॉर्टिंग ये नहीं बताया मैंने आपको। रिव्यू सॉर्टिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप हीलियम 10 रन करते हो ना, तो ये जो सामने आपके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ये अनसॉर्टेड होते हैं। अब यहाँ पर जाके ये जो हैंड का निशान बनता है ना, हाथ का निशान बन रहा होता है, इसको इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं ना आप, तो ये आपका सॉर्ट हो जाता है, पूरे का पूरा कॉलम सॉर्ट हो जाता है। सॉर्ट कैसे होता है, जब आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो लो टू हाई हो जाते हैं, मतलब जितने सेलर्स नीचे पड़े होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जितने सेलर्स ऊपर पड़े होते हैं विद हाई रेवेन्यू वो सारे के सारे नीचे चले जाते हैं। यानी कि सबसे पहले
यानी कि इसको हमने मैथ के अंदर आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, आप भी क्या कहते होंगे कि मैथ पता नहीं कितनी मुश्किल ना छड़ी सी तुसी फिर लैन दी है जी। तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोगों ने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो रिजल्ट्स होंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे आप लोगों के पास। लेकिन जब आप इसको इसी के ऊपर इसी हैंड को दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास रिजल्ट होंगे वो हाई टू लो हो जाएंगे, यानी कि जो जो सेलर इन सब में से, जो ब्रांड इन सब में से ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा होगा वो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, और जो सबसे कम कमा रहा होगा वो सबसे नीचे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिव्यू सॉर्टिंग, रिव्यू सॉर्टिंग इसको बोलते हैं। ठीक हो गया, ये भी आपका क्राइटेरिया हल हो गया। 7 सेलर्स इन द टॉप 10 हैव लेस देन 400 रिव्यूज, ये भी हमने कर लिया। अब आता है इसके ऊपर बात कि 7 सेलर्स इन टॉप 10 हैव मोर देन $7,000 रिजल्ट्स। बेटा ये किसी का माइक ऑन है, आपका क्वेश्चन है या? सर मैंने क्वेश्चन करना था, ये रिव्यू सॉर्ट जो है यानी इसमें सेल ग्राफ को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में करेंगे तब ये रिव्यू सॉर्ट आएगा? जी जी एग्जैक्टली, ये पूरे का पूरा सॉर्ट कर देगा ना उसको ये। जब आप क्या करेंगे, आपने रिव्यू को सॉर्ट नहीं करना। यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर क्राइटेरिया के अंदर दिखाऊं तो क्या लिखा हुआ है, नो रिव्यू सॉर्टिंग। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि आप रिव्यू सॉर्टिंग किस तरह कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्राइटेरिया के अंदर ये है कि आपने रिव्यू को सॉर्ट नहीं करना, यानी कि इस तरह से इसके ऊपर ला के आपने क्लिक करके उनको सॉर्ट नहीं करना। जिस तरह से आपको हीलियम 10 रिजल्ट दिखाएगा आपने उसी तरह उनको एनालाइज करना है। ठीक हो गया, ओके ठीक हो गया जी। अब अगला क्राइटेरिया हमारा है 7 सेलर्स इन टॉप 10 हैव मोर देन 7,000 रिजल्ट। जिस तरह हमने देखा था ना रिव्यू काउंट के बारे में कि 7 सेलर्स, अब देखिए मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है, अब ये देखिए आप लोगों के सामने क्या आ रहा है, सारे के सारे रिजल्ट्स डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना। ठीक हो गया, जिस तरह अब मैं आता हूँ उसके रेवेन्यू के ऊपर। ये वाला रेवेन्यू का कॉलम होता है, ये आप लोगों के सामने रेवेन्यू का कॉलम शो हो रहा है। अब इसके अंदर रेवेन्यू गिवन होगा सेलर्स का कि उन्होंने मंथली, यहाँ पर जो रेवेन्यू इन कॉलम्स के अंदर शो होता है ना, इन कॉलम्स के अंदर जो रेवेन्यू शो हो रहा होगा, जो सेल्स ग्राफ आ रहा होगा, जो सेल्स आ रही होंगी, ठीक है, जो BSR शो हो रहा होगा, बेस्ट सेलर रैंक, जो FBA फीस शो हो रही होगी, जो एक्टिव सेलर्स शो हो रही होंगे, जो रेटिंग्स शो हो रही होंगी, या जो रिव्यू काउंट शो हो रहा होगा, वो मंथली रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाएगा। ये सारे के सारे एलियन 10 आपको मंथली रिजल्ट दिखा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले टैब में आप लोगों को क्या बताता है कि ये आप लोगों ने इन सेलर्स ने टोटल कितना, सारे सेलर्स ने मिल के कितना रेवेन्यू आज तक कमाया है वो यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, या मंथली रेवेन्यू यहाँ पर आ रहा होता है कि इन सब सेलर्स ने मिल के टोटल कितना रेवेन्यू एक महीने के अंदर कमाया है वो यहाँ पर आएगा। एवरेज रेवेन्यू इन सारे सेलर्स ने मिलकर कितना कमाया वो यहाँ पर आ रहा होता है। लेकिन अब हमारा मकसद है रेवेन्यू वाले कॉलम को समझना। जिस तरह हमने रिव्यू काउंट को देखा था कि वहाँ पर 5 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनका 500-400 से कम रिव्यूज़ होने चाहिए, नहीं सॉरी 7 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनका रिव्यू 400 से कम होना चाहिए। इसी तरह हम रेवेन्यू के ऊपर करेंगे। जब हम हीलियम 10 के ऊपर कहेंगे रेवेन्यू के ऊपर आएंगे तो हम कहेंगे कि हीलियम 10 भाई साहब हमें दिखाइए रेवेन्यू। हम वहाँ पर उसी तरह जिस तरह हमने स्टार्ट में अंदर हीलियम 10 रन किया होगा इसी तरह इसको फिल्टर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, स्पॉन्सर्स हाइड कर लेंगे, अप्लाई फिल्टर्स, ये आपने एक ही दफ़ा करना है। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपका आपने यहाँ से गलती से कैंसिल कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये रेवेन्यू वाले कॉलम के अंदर आया। रेवेन्यू वाले कॉलम के अंदर आपने उसी तरह जिस तरह रिव्यू काउंट को देखा था आपने 7 सेलर्स ऐसे देखने हैं कि जिनका रेवेन्यू $7,000 से पर मंथ ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 7,000 और मैक्सिमम जितना भी हो उसके ऊपर हमारी लिमिटेशन नहीं है। ठीक हो गया, अब आते हैं अगले क्राइटेरिया के ऊपर, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं ये कंपीटिंग प्राइस, ये भी हम लोगों ने कर लिया। नो प्राइस फ्लक्चुएशंस, इसका क्या मतलब है? नो प्राइस फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है कि ये वाला प्राइस का कॉलम है, यानी कि आपने अब आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को। ठीक है, अब इसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस का क्या मतलब होगा,
प्राइस फ्लक्चुएशंस का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जितने सेलर से सेल कर रहे हैं ना, उनकी सब की प्राइस कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब कि ये 7 पे सेल कर रहा है, ये 6 के ऊपर सेल कर रहा है, फिर ये 10 पे आ गया है, फिर ये 6 पे, फिर 6 पे, फिर 10 पे आ गया है। यानी कि इस तरह से फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, प्राइस के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कम अज़ कम $5 उससे ऊपर और कम अज़ कम उससे $5 नीचे एक्सेप्टेबल है। इससे ज़्यादा अगर प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो आपने उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। ये क्राइटेरिया भी आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे आते हैं, BSR शुड बी कंसिस्टेंट इन टॉप 3। अब आ जाते हैं बेस्ट सेलर रैंक वाले कॉलम के। ये है आपके पास BSR का कॉलम, ठीक है। अब इसके अंदर कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है जी बेटा? प्राइस अगेन प्ले कर दें प्लीज। प्राइस का क्या? वॉइस इशू हो रहा था। ठीक है, प्राइस इशू हो रहा था, ये प्राइस को दोबारा डिफाइन कर दें। ठीक है, माइक ऑफ कीजिए। मैं आपको बता रहा था कि ये जो कंपीटिंग प्राइस है ना आपकी, माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। सर प्राइस अगेन बता दें। जी जी, वॉइस इशू हो रहा था। जी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप माइक ऑफ कर दीजिए जी। अब आपने सिस्टर अनम ने सॉरी सिस्टर अलमदीना के नाम से, उन्होंने पूछा है कि सर ये बता दें कि ये प्राइस कैसी होगी। कंपीटिंग प्राइस जो है ये ऐसे होगी कि जब आप हीलियम 10 के ऊपर आते हैं ना, ये तो यहाँ पर एक तो एवरेज प्राइस $14.99 टू $39.99 होनी चाहिए। अब दूसरी बात, मैंने प्राइस फ्लक्चुएशंस की इसके साथ, और उसको मैंने डिफाइन किया कि आपकी जो प्राइस है उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक 11 के ऊपर सेल कर रहा है, फिर क्या होता है, और ये मैंने इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रेशो भी बताई कि इससे लेट सपोज यहाँ पर आपकी एवरेज प्राइस आती है $15। इसकी बेसिस के ऊपर आपने देखना है कि यहाँ पर जो नीचे सेलर्स आ रहे हैं ना, उनका जो एवरेज प्राइस होना चाहिए उसके अंदर फ्लक्चुएशन कितनी एक्सेप्टेबल है, $5 उससे ज़्यादा या $5 उससे कम। इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। अव्वल तो प्राइस फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लेकिन अगर एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो $5 उस एवरेज प्राइस से ज़्यादा या $5 उससे कम एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा है। अब इस प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं कि इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन क्या चल रही है। 11 है, 13 है, चलें जी ठीक है, 10 है, 9 है, 13 है, 7 है, 12 है, 20 है, 18 है, 65 आ गई। ये बंदा $65.99 पे सेल कर रहा है, ये 18 पे सेल कर रहा है, ये 12 पे सेल कर रहा है, और ये 13 पे सेल कर रहा है, और ये 9 पे सेल कर रहा है। यानी कि ये देखें, ये जो आपको प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को नज़र आ रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए इसका। ठीक हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया BSR का। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, क्लियर हो गया भतीजा बेटा, आपको क्लियर हुआ है? चलें, यानी मैं ये समझती हूँ सर, मैं इसको रिपीट करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। यानी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ $4-5 का तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा हाई रेट पे सेल कर रहा और एक लो रेट पे। Exactly. ऐसे कह रहे हैं आप? Exactly. और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी मैंने आपको बताई कि वो कितना एक्सेप्टेबल है और किसके हिसाब से हमने एक्सेप्टेबिलिटी देखनी है। अव्वल तो हमें ये प्राइस फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लेकिन अगर एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो वो कितना एक्सेप्टेबल है, $5 से ज़्यादा और $5 से कम, किस से, एवरेज प्राइस से। अब BSR की बात कर लेते हैं। ये आ रहा होता है आपके सामने BSR का कॉलम। हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है कि BSR शुड बी कंसिस्टेंट इन टॉप 3। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है आप लोगों को पता होगा। कंसिस्टेंसी का अगर लफ्जी मतलब देखा जाए, सॉरी कंसिस्टेंसी का अगर लफ्जी मतलब देखा जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक तसलसल के साथ चलें। यानी कि आपका जो BSR है ना सेलर्स का, वो क्या कर रहा है, एक का 1500 है, दूसरे का 1400 है, तीसरे का 1000 है, फिर 1200 आ जाता है, फिर 1300 आ जाता है। ये कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि सारे सेलर्स इक्वल सेल्स रैंक के साथ जा रहे हैं, इतनी फ्लक्चुएशन उसके अंदर नहीं है। अब मैं इसके अंदर बताता हूँ कि इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि पहला सेलर उसका BSR 1500 है, फिर अगले सेलर के ऊपर आते हैं तो उसका जो BSR है वो 65,000 पे चला जाता है, या 50,000 पे, या 30,000 पे, या 10,000 पे चला जाता है, और उससे अगला सेलर देखते हैं तो फिर वो 500 पे आ जाता है।
फिर उससे अगला सेलर देखते हैं तो वो 4,000 पे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड इनकन्सिस्टेंसी, ये होती है इनकन्सिस्टेंसी। लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या कहता है कि इसका BSR जो है वो शुड बी कंसिस्टेंट इन टॉप 3 सेलर्स, यानी कि इन तीन के अंदर 36 और 5, यानी कि इन तीन सेलर्स का जो BSR होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि पहला अगर 1500 पे है तो दूसरा 1200 पे हो सकता है, तीसरा 1000 पे हो सकता है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि पहला अगर 2000 पे है तो अगला 4000 पे चला गया, उससे अगला 10000 पे चला गया, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अगले पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 8000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ तो कोई बुरी बात नहीं। वन ब्रांड शुड नॉट बी मोर देन 3 सेल्स एंड रेवेन्यू डोमिनेंट। मैं आप लोगों को पहले ये बताता हूँ, वन ब्रांड शुड नॉट बी मोर देन 3, इसका क्या मतलब है। ये लिस्टिंग को मैंने आप लोगों को सॉर्ट करके इसीलिए आप लोगों के सामने लाया कि रिजल्ट्स तो आपके सामने ब्लर शो हो रहे हैं, तो आप लोगों को शायद माइंड के अंदर बन गया होगा कि यार आप पता नहीं ब्लर ही शो करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप लोगों कई दफ़ा ये टूल्स का ग्लिच हो जाता है, तो वो उसके अंदर आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने जो ये वाला क्राइटेरिया देखना होता है ना, ये जो मैंने अभी क्राइटेरिया आप लोगों के सामने पढ़ा है, ये भी आपने किसके अंदर देखना है, टॉप 10 के अंदर देखना, ठीक है। वन ब्रांड शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम इन टॉप 10 सेलर्स। यहाँ पर अगर हम ऐड कर लें कि टॉप 10 सेलर्स के अंदर हमारे पास जो हमारा ब्रांड है वो 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 10 लिस्टिंग काउंट कर लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि भाई साहब ये वाला हमारा ब्रांड का कॉलम पड़ा हुआ है, ये वाला ब्रांड का कॉलम पड़ा हुआ है, इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या ब्रांड डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 42 की लिस्टिंग तक हमारे पास टॉप 10 सेलर्स पूरे हो जाते हैं, ठीक हो गया। अगर मैं 37 को मिला लूँ एक, तो उसके अंदर ज़्यादा आप लोगों को मैं समझा सकूँगा कि इसके अंदर चले मैं आपको लेट सपोज कहता हूँ कि 37 तक हमारे टॉप 10 सेलर्स बनते हैं, लेकिन बनते 42 तक है, मैं एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। अब ये देखिए जिस तरह से आप लोगों के सामने लिस्टिंग आ रही है ना, अब आपने टॉप 10 सेलर्स को काउंट कर लिया कि इतने सेलर्स टॉप 10 में आते हैं। अब आपने यहाँ से देखना शुरू कर दिया कि ये एक ब्रांड जो है ना वो 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं आना चाहिए टॉप 10 के अंदर। आपने काउंट करना शुरू कर दिया कि भाई साहब जॉन बी हमने देखा कि नहीं है जी, वॉर्नेक्स भी नहीं है, मून बोट भी नहीं है, एफूसी भी नहीं है, कैलॉप्सी वो भी नहीं है, लिया वो भी नहीं है, ग्रैंड वे भी नहीं। मार्कोलो एक ब्रांड है जो कि हमें नज़र आ रहा है कि यार ये हमारे टॉप 10 के अंदर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ तक हमारे कितने बनते हैं टॉप 10 सेलर्स ही बनते हैं 37 तक, लेकिन बनते 11 हैं। मैं आपको एज एन एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूँ कि चले हम 37 तक कर देते हैं। ये वाले जो हैं मुझे लग रहा है कि ये वाला जो ब्रांड है ना, ये ब्रांड सर 4 दफ़ा है, ये ब्रांड 4 दफ़ा है, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं। मतलब आप तो वैसे ही करेंगे कि आपने लिस्टिंग 10 काउंट की और उसके अंदर देखेंगे कि भाई 3 दफ़ा से ज़्यादा ब्रांड नहीं होना चाहिए, अब ये क्या आ रहा है 4 दफ़ा है, तो यहाँ पर ये चीज़, ये आपकी प्रोडक्ट या ये जो आपका कीवर्ड हो गया ये फेल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने इसके आगे मैं आप लोगों को समझाता, ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। ये बात आप लोगों को समझ आई है, चलें ठीक है। अगली बात मैं आपको समझाता हूँ, सेल्स एंड रेवेन्यू डोमेन। सर आपकी आवाज कट रही थी, एक्सप्लेन कर दीजिए। चलें मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। मैं कह रहा था कि ये जो आपके सामने ब्रांड आ रहे थे, आपने टॉप 10 सेलर्स की लिस्टिंग्स को काउंट कर लिया, मैं एज एन एग्जांपल कह रहा हूँ कि 37 तक बनता है, लेकिन वो बनता है 42 तक, कि मैं एज एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो 37 तक चले बनता है टॉप 10। मैं कह रहा था कि अब हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है, हमारा क्राइटेरिया कहता है कि वन ब्रांड, एक ही ब्रांड, मतलब एक ही नाम का ब्रांड शुड नॉट बी मोर देन
थ्री इन टॉप 10 सेलर्स। टॉप 10 सेलर्स के अंदर एक ब्रांड, एक ही ब्रांड तीन दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये कितनी दफा है? चार दफा। तो यहां पर ये कीवर्ड क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। लेकिन अब मैं इसी एग्जाम्पल को लेके आपको अगली बात समझाने की कोशिश करता हूँ, ये वाली सेल्स एंड रेवेन्यू डोमिनेंस। इसको कैसे देखेंगे? इसको ऐसे देखेंगे कि जब ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये एक ही नाम से आ रहा है, तो मुझे बताइए कि क्या इनकी जो मंथली सेल्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये डिफरेंट ब्रांड के हैं, यानी कि इसकी जो सेल्स हैं वो किसी और बंदे को जाएंगी। मैं कहता हूँ कि आपके शहर के अंदर एक बंदे ने 10 दुकानें बना ली, ठीक है, और उस ब्रांड का नाम है मार्कोलो। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उस बंदे का नाम है मार्कोलो, उसकी चार दुकानें आपकी मार्केट के अंदर आ गई, यानी कि यूएस की मार्केट बात कर रहे हैं हम, तो हम कहते हैं कि यूएस मार्केट के अंदर उस बंदे ने चार दुकानें ओपन कर ली। क्या ये जो चार दुकानें उसने ओपन की हैं उन चारों की सेल्स जो हैं वो एक ही बंदे की जेब में जाएंगी या डिफरेंट बंदों की जेब में जाएंगी, ये मुझे बता दीजिए, आप में से कोई भी बता दो। आप में से कोई भी मुझे बता दे कि इस ब्रांड का जो ओनर होगा मार्कोलो के नाम का, जिसने एग्जैक्टली एक ही बंदे के पास जाएंगे। अब आप आपको इससे क्लियर होगा कि यार एक ही बंदे के पास अगर ये सेल्स जा रही हैं तो फिर तो इसका जो रेवेन्यू होगा वो भी एक ही बंदे के पास जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। जब एक ही बंदे के पास जा रहा होगा तो यहाँ पर ब्रांड डोमिनेंस के साथ साथ ये बंदा सेल्स में भी डोमिनेट कर रहा है और रिव्यू में भी डोमिनेट कर रहा है। ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? रेवेन्यू में भी डोमिनेट कर रहा है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट थी सर, लेकिन जी जी ये डिफरेंट वेरिएशंस को सेल कर रहा है ये वाला, तो फिर हम इसे ब्रांड डोमिनेंस कंसीडर करेंगे। देखिए वो आई थिंक वो कलर की वेरिएशन, अगर डिफरेंट वेरिएशंस के साथ कर रहा होगा तो जो हमारी मेन वेरिएशन होगी हम उसको कंसीडर करेंगे और बाकियों को हम डिसकनेक्ट कर देंगे, हम उसको कहेंगे कि ये हमारी वेरिएशन से रिलेटेड नहीं है, तो फिर ये जो ब्रांड होगा वो अपनी डोमिनेंस ही भी नहीं रख सकेगा। हम बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज ये कि तीनों की तीनों प्रोडक्ट्स हमें लग रही हैं कि ये सेम ही सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये भी सेम ही लग रही है, ये भी इसके अंदर कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ये भी इतने अंदर, मतलब मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ब्रांड डोमिनेंस और सेल्स डोमिनेंस और रेवेन्यू डोमिनेंस का मतलब क्या होगा, ठीक है। इस लिहाज से बात क्लियर हुई है कि मतलब ये बंदा ना सिर्फ ब्रांड डोमिनेट है बल्कि सेल्स में भी डोमिनेट कर जाएगा और रेवेन्यू में डोमिनेट कर जाएगा। आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चले ठीक है, यानी कि ये बंदा क्या कर रहा होगा, मार्कोलो सेल्स में भी डोमिनेट, पहले नहीं थे। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये बंदा जी अब आ रही है, चले माशाल्लाह, दोबारा बता दें प्लीज। ठीक है ठीक है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि ये बंदा जिसकी चार दुकानें यूएसए मार्केट के अंदर हैं, हम अभी वेरिएशंस की बात नहीं करते इकरा बेटा, हम अभी वेरिएशंस की बात नहीं करते, हम ब्रांड डोमिनेंस, सेल्स डोमिनेंस और रेवेन्यू डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये बंदा, चलो एक ही हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि जब हमने ये कंसीडर किया है कि 37 तक चलो एक ही बंदा आ रहा है, तो हम ये भी कंसीडर कर लेते हैं समझने के लिए, इवन के वेरिएशंस हैं लेकिन हम समझने के लिए कह रहते हैं कि ये बंदा एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है इसी लिस्टिंग के अंदर और वो सेम प्रोडक्ट्स है, तो क्या ये बंदा ब्रांड के अंदर डोमिनेट कर गया? वो भी साबित हो गया कि हाँ भाई ब्रांड के अंदर भी डोमिनेट कर गया। हमने कहा क्या सेल्स के अंदर डोमिनेंस है? तो भाई साफ नज़र आ रहा है सामने हम लोगों को कि भाई ये सेल्स में भी डोमिनेंस कर गया। रेवेन्यू में अंदर देखते हैं हम कहते हैं कि भाई अगर सेल्स इसकी जेब में जा रही हैं तो फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर जो रेवेन्यू होगा वो भी इसके अंदर जेब, इसकी जेब में जाएगा, इस बंदे की जेब में जाएगा, ठीक है। तो इसकी बेसिस के ऊपर हम इन टॉप 10 सेलर्स को अब रिव्यू करते हैं, ठीक है, पूरे 10 सेलर्स को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर क्या बिहेवियर आता है। जब ये ब्रांड डोमिनेट कर गया अपने उस बेसिस के ऊपर
ब्रांड डोमिनेंस के ब्रांड डोमिनेंस की बेसिस के ऊपर, तो फिर जो इसकी सेल्स होंगी इस ब्रांड की मार्कोलो की, उस उन सब सेल्स को हम जमा कर लेंगे कि भाई साहब ये एक ही ब्रांड है, इन सब की सेल्स एक ही बंदे को जा रही हैं, हमने उनको उठा के उनके पास जितनी जितनी सेल्स आ रही थी उनको जमा कर लिया। फिर हमने इसी तरह रिव्यू रेवेन्यू के अंदर किया कि भाई साहब इन चारों ब्रांड्स के साथ, इस एक ही ब्रांड के साथ जो कि चार ब्रांड नहीं है, एक ही ब्रांड है, लिस्टिंग चार दफ़ा नज़र आ रही है लेकिन ब्रांड एक ही है भाई, इसकी जो रेवेन्यू है उसको भी हम जमा कर लेंगे। जिस तरह सेल्स को जमा करेंगे उसी तरह हम रेवेन्यू को जमा कर लेंगे। इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, इनकी सेल्स को, इस मार्कोलो ब्रांड की सेल्स को इस टॉप 10 के अंदर बाकियों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब देखें तो सही कि टॉप 10 के अंदर सिर्फ यही ब्रांड तो सारी की सारी सेल्स तो नहीं लेके जा रहा हमारे पास, क्या सारे का सारा रेवेन्यू इसी के पास तो नहीं जा रहा। मतलब हम, मैं आप लोगों को सिंपल जट्टों वाली एग्जांपल देता हूँ, जाट वाली, वो कहते हैं जट्टा वाली एग्जांपल दीजिए तो ज़्यादा समझ आती है, ठीक है, मैं आप लोगों को वो देता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं, आपको नज़र आता है कि भाई साहब फलां नाम का, चौधरी अरशद नाम है उस बंदे का, उसकी मार्केट के अंदर चार जो है ना दुकानें, और आप भी चाहते हैं कि उसी नीश के अंदर जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उस मार्केट के अंदर वही प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, ठीक है। अब आप पहले क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे भाई साहब देखो तो सही, चार अगर दुकानें हैं तो उसकी सेल्स कितनी आ रही होंगी, उसको अगर सेल्स आ रही हैं तो फिर उसके हिसाब से उस बंदे को रेवेन्यू भी आ रहा होगा, ठीक है, तो वो भी उसी के जेब के अंदर जा रहा होगा। अब हम इस चीज़ से अंदाज़ा, इस छोटी सी चीज़ से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब हमें दुकान यहाँ पर अपनी खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर हम वहाँ पर अपनी दुकान खोल देते हैं तो जो सेल्स हमें आनी थी वो भी उसी को जा रही होंगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी सेल्स तो वही बंदा लेके जा रहा है। वहाँ पर 44 सेलर्स उससे सेल्स खींचने की कोशिश कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। तो अगर हम वहाँ पर बेवकूफ़ बन के बग़ैर मार्केट एनालिसिस किए, यहाँ पर मैं आप लोगों को वो चीज़ जो हमने कीवर्ड रिसर्च के अंदर पढ़ी थी उसके साथ कनेक्ट करता हूँ, कंटेंट टू कीवर्ड मैप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि जब आप मार्केट के अंदर गए तो आपने देखा कि मार्कोलो के नाम से एक ब्रांड है भाई साहब, वो तो भाई सारी की सारी सेल्स लेके जा रहा है, वो तो सारे का सारा रेवेन्यू मार्केट का खींच के लेके जा रहा है, तो क्या मेरा वहाँ पर अपने एनालिसिस की बेसिस के ऊपर जो मैंने मार्केट को देख के किया है, क्या मुझे ये वाली प्रोडक्ट उस मार्केट के अंदर लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, किसी और मार्केट के अंदर कर सकता हूँ वही प्रोडक्ट जहाँ पर उसका कंपटीशन कम है, लेकिन इस मार्केट के अंदर जिसके अंदर वो एक बला बैठी हुई है अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके, क्या मुझे उस मार्केट के अंदर जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। दिस इज आंसर। ये चीज़ आप, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया? ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? चलें जी, अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडिंग सीजनल और वेदर ओरिएंटेड। ये मैंने जब आपको गूगल ट्रेंड एक्सप्लेन किया था तो मैंने आप लोगों को साथ एक्सप्लेन कर दिया था, यानी कि ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। देर कैन बी एनी वैल्यू एडिशन ऑफ लो प्राइस एज एन ऑफर। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है? अब इसका हीलियम 10 का हमारे लिए काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा काम इसके ऊपर रहता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अमेज़ॉन की पेज के ऊपर वैल्यू एडिशन वाली ना एक प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जिस तरह के ये है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी मेन प्रोडक्ट है ना, आप उसके साथ छोटी सी एक और चीज़ उसी प्राइस के अंदर देना शुरू कर देते हैं मार्केट के अंदर। जब कस्टमर आपके लिस्टिंग के ऊपर आता है ना, वो कहता है कि भाई साहब अगर मैंने $30 वहाँ पर देने हैं और मुझे एक प्रोडक्ट मिलनी है, और मैंने $30 ही यहाँ पर देने हैं और मुझे उसके बदले में एक छोटी सी चीज़ और मिल रही है, तो आप अपने माइंड के ऊपर बताइए, अपने माइंड के हिसाब से बताइए कि आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे। आप उसी चीज़ को प्रेफर कर रहे होंगे कि जिसके अंदर वैल्यू एडिशन हो। ये होता है कि मतलब सेम प्राइस के अंदर आप वो चीज़ भी ऑर्डर कर रहे हैं जो आपका कंपेटिटर भी ऑर्डर कर रहा है, और आप वो चीज़ भी उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं उसी $30 के अंदर जो आपका कंपेटिटर ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन
वो जो आप वैल्यू एडिशन वाली प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना, वो बड़ी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्मॉल, छोटी सी प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, कस्टमर को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, आपने कस्टमर को अपनी लिस्टिंग के ऊपर खींच के लाना है, ठीक है। उसको कहना है कि भाई साहब ये चीज़ जो है, मैं वही चीज़ ऑर्डर कर रहा हूँ लेकिन मैं इसके साथ वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ, तो कस्टमर फिर खुद अट्रैक्ट होता है, कस्टमर खुद आता है। आपने अक्सर दराज के ऊपर ये चीज़ देखी होगी कि जब आप कोई चीज़, कोई चाबी ऑर्डर करते हैं ना, कोई वक्त जो है घर का जो ताला होता है उसकी जो चाबी होती है, उसको चाबी को फिक्स करने के लिए एक लॉकर हम परचेज करते हैं, उस लॉकर के साथ ना वो आपको एक पेन फ्री दे देते हैं, या अगर आप पेन परचेज करते हैं उसके ऊपर, वो अगर 200 का आता है, 200 रुपये का आता है दराज के ऊपर, तो उसके साथ वो आपको एक लॉकर भी दे देते हैं कि भाई साहब चलें ये लॉकर भी ले लें। अब ये जो लॉकर है ना, ये वैल्यू एडिशन है, क्यों? क्योंकि अगर वो किसी और की लिस्टिंग के ऊपर जाके परचेज करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको पेन मिलता है, लेकिन अगर वो इससे परचेज करता है तो 200 रुपए के अंदर उसको पेन भी मिलता है और लॉकर भी मिलता है। ये होती है वैल्यू एडिशन, ये होता है मार्केट के अंदर अगले बंदे की जहन के साथ खेलना, ये होती है मार्केट एनालिसिस, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है हमारा, एवरेज रेटिंग इन टॉप 20 शुड बी 4.2। ये कहाँ से पता चलेगा एवरेज रेटिंग का, हमें कहाँ से पता चलेगा? ये भी हमें हीलियम 10 के ऊपर पता चलेगा, जिस तरह से हमने BSR काउंट किया, जिस तरह से हमने रिव्यू काउंट निकाला और जिस तरह से हमने रेवेन्यू को कैलकुलेट किया, इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सॉरी हमारे पास रिव्यू काउंट आएगा। और ये होता है ये वाला काउंट, ठीक है, रेटिंग का, सॉरी रेटिंग का हमारे पास रिव्यू काउंट के साथ ही कॉलम पड़ा होता है। अब वो कहता है कि ये जो इसकी टोटल रेटिंग होनी चाहिए ना, वो टॉप 20 सेलर्स के अंदर कितनी होनी चाहिए, 4.2 होनी चाहिए। आप यहाँ से क्या करना शुरू कर देंगे, टॉप 20 सेलर्स गिन लेंगे, 36, मतलब इस तरह से आप कहते हैं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 34 तक बनते हैं, भाई 34 तक सेलर्स ऐसे हैं जो 20 बनते हैं, टॉप 20 सेलर्स 34 तक बनते हैं। आप क्या करते हैं, इन सारों की रेटिंग्स को जमा करके 20 के ऊपर डिवाइड करके देखते हैं कि क्या वो 4.2 से अबव है या नहीं। अगर 4.2 से अबव है तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, वरना आपको उस प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब छोड़ना नहीं है, ये मैं आपको फॉर द टाइम भी कह रहा हूँ कि उस लिस्टिंग को या उस कीवर्ड को आपने छोड़ देना है। अब इस कीवर्ड को जो आपने छोड़ देने का जहन बनाया था, उसको फर्दर यूज़ कैसे करना है, उसमें से फर्दर विनिंग कीवर्ड कैसे निकालने हैं, वो हम कल से डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब अगला पॉइंट के प्रोडक्ट वेट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 kg, और अगर इसको LBs के अंदर कन्वर्ट करें तो ये बनता है 3.3 LB, ठीक है। ये कहाँ से पता चलेगा, ये हमारा पता चलेगा वेट वाले कॉलम से, ये जो वेट वाला कॉलम। अब यहाँ पर आप लोगों को इसका वेट शो नहीं हो रहा होगा टूल्स के ग्लिच की वजह से, यहाँ पर वेट गिवन होता है, ठीक है। अब ये जो वेट है ना, ये आपका ओवरऑल टॉप 10 सेलर्स के अंदर इसका जो वेट है वो 1.5 kg से अबव नहीं होना चाहिए, या 3.3 LB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो हीलियम 10 आप लोगों को वेट दिखा रहा होता है, वो LBs में दिखा रहा होता है, ठीक है, LBs यानी पाउंड्स के अंदर दिखा रहा होता है। तो फिर जब आप पाउंड्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो टॉप 10 के जितने भी सेलर्स होंगे उनके वेट को जमा करके 10 पे डिवाइड करेंगे, अगर वो 3.3 से कम आ रहा है तो द लिस्टिंग या द कीवर्ड इज़ गुड टू, ठीक हो गया। अगला हमारा लास्ट वाला है, Amazon should not be more than 5 times in top 20. सर ये वेट पाउंड में अगेन बताइएगा, कितने पाउंड बनते हैं 0.5 जी। आप जो है ना सिंपली आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप लोगों को टेंशन हो रहा होता है ना कि हमें नहीं पता चल रहा कि हमारा वेट कितना आएगा, या जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो वेट कितना होगा, आप सिंपली गूगल के ऊपर जाके लिखिए kg to lbs। आपने क्लिक किया, गूगल ने आपके सामने कैलकुलेटर रख दिया, गूगल कहता है भाई साहब लिखें आपको कितने वेट का, कितने वेट के अगेंस्ट चाहिए। ये देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम, इसके नीचे लिखा हुआ है पाउंड, ठीक है। यानी कि 1 kg इज इक्वल टू 2.2462 पाउंड। अब जब आप इसको 1.5 लिखते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको गूगल कैलकुलेट करके बता देता है कि इसका कितना बनता है आपके सामने, इसका वेट। वेट देखने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, ये आ गया आपके सामने, ये 3.2
30693 आपके सामने पाउंड्स में वेट आ गया। ठीक है, तो ये एक चीज क्लियर होगी बेटा आपको। जी चलें, अब लास्ट पॉइंट है हमारा, अमेज़न शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स इन टॉप 20 सेलर्स। अब उसी लिस्टिंग के ऊपर हम दोबारा आते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि अमेज़न भी है इसके अंदर या नहीं है? वो हमें पता चलता होता है यहाँ से, या तो बाय बॉक्स के अंदर से पता चल जाता है कि बाय बॉक्स किसके पास है, अमेज़न के पास है या किसके पास है। अगर यहाँ से पता नहीं चलता तो यहाँ पे आपका फुलफिलमेंट का कंप्लीट कॉलम होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये FBA कर रहा है या FBM कर रहा है या अमेज़न कर रहा है। FBA जो कर रहा होता है वो सही होता है, मतलब हमारे पास सारे के सारे सेलर्स अगर FBA हैं तो बेहतरीन है। अगर उसके अंदर FBM है तो FBM की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अमेज़न की रिस्ट्रिक्शन है कि टॉप 20 सेलर्स के अंदर, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 34 तक बनते हैं, कि टॉप 20 सेलर्स 24 तक बनते हैं, मैं कहता हूँ कि फुलफिलमेंट के अंदर अमेज़न फिर टॉप 20 सेलर्स के अंदर 5 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और FBA अगर लिखा आ रहा है तो उसका मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, FBM अगर लिखा आ रहा होता है तो उसका मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और कई दफ़ा इसके अगेंस्ट MFN भी लिखा होता है, मर्चेंट फुलफिलमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी कई दफ़ा लिखा आता है, तो वो भी FBM वाले होते हैं जिनके अगेंस्ट MFN लिखा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडे लेक्चर।